वेलकम गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आज का नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एक्चुअली आज मैं स्पेशल दिखाने जा रहा हूँ आज को नया वीडियो में, तो भुवनेश्वर टू दिल्ली का जर्नी दिखा रहा हूँ। वो जो भी वीडियो रहेगा वो प्लेन में ही रहेगा, फ्लाइट का पूरा दिखाऊँ, फ्लाइट का डिटेल्स भी दिखाऊँगा सारी चीज़ का। चलो फिर मेरे साथ एंजॉय करो भुवनेश्वर टू दिल्ली। एयरपोर्ट का अंदर का व्यू है। मैं बोर्डिंग के ऊपर आ गया हूँ, तो वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। सिक्योरिटी चेकिंग हो गया, थोड़ा मुझे टाइम लग गया, बस शुरू है इसे। जो दिखाना वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन मुझे 3 दिन काम होगा, उसके बाद में 3 दिन के बाद मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा। अभी एयरपोर्ट में आ गया हूँ, मैं एयरपोर्ट में दिखा रहा हूँ, सामने खड़ा हूँ। तो अभी बोर्डिंग नहीं हुआ है, तो बोर्डिंग के लिए अभी 10-15 मिनट बाकी है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पर वॉशरूम जाके आ गया हूँ, तो आपको सामने देखा, क्योंकि अभी आज का जो वेदर है यहाँ पे भुवनेश्वर का बहुत मतलब क्लाउडी है और थोड़ा सा ठंड लग रहा है। तो मैं ऊपर आ गया हूँ, मेरा एक्चुअली सिक्योरिटी चेक हो गया है, तो सिक्योरिटी चेक के थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि ज़्यादा लोग थे आज, तो इसलिए लेट हो गया। तो मैं यहाँ पर ऊपर बोर्डिंग के ऊपर घूम रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत कॉफ़ी पी पीना था, लेकिन मैंने पिया लें। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे वो बैग वैग रख के मैं थोड़ा इस तरफ आ गया हूँ। तो सामने से पूरा जो ये बोर्डिंग का भी ऊपर का है, मैंने मेरा जो बोर्डिंग का है वो 5 नंबर का था, इसलिए वो ऊपर 5 नंबर ऊपर है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट तो बेस्ट है, सब जगह को पता है, बड़ा है, मतलब उसका जो मैंने डिजाइन है बहुत बढ़िया है। तो आप लोग मेरे साथ भी इंजॉय कर। यार बिस्तरा में मेरा फर्स्ट टाइम है, पहले मैं बिस्तरा में नहीं गया था कभी, तो आज फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ, इसका एक्सपीरियंस दिखाता हूँ कि मैं एयर इंडिया में गया हूँ, इंडिगो में गया हूँ और सारे दूसरे मतलब प्लेन में गया हूँ, लेकिन बिस्तरा में नहीं आया था, जो फर्स्ट टाइम है मेरा। इसका जो है मैं पूरा दिखाता जाऊँगा आपको, चलो मेरे साथ। तो 1900 दिल्ली का जो है फ्लाइट का जर्नी हम लोग इंजॉय करो मेरे साथ में। ये वर्चुअल जर्नी आपके लिए, वर्चुअल जर्नी है, आप लोग भी एंजॉय कर सकते हो। मैं पूरा आपको दिखाता जाऊंगा पूरा। आज का वीडियो स्पेशल जो है ना वो मतलब फ्लाइट के ऊपर है, मतलब वो प्लेन के ऊपर है। मैं आपको दिखा जाऊंगा, जो भी रहेगा आगे मैं आपको दिखाता जाऊंगा। अब चलो आप भी एंजॉय करो मेरे साथ। तो वो लोग जा रहे हैं बहुत जो है आगे, तो फिर आपको पहुँच रहा था, मैं बोर्डिंग गेट के पास बैठा हूँ, सामने बोर्डिंग शुरू नहीं हुआ, तो फिर जब बोर्डिंग हो जो खत्म हो जाता है फिर आता है। जर्मन से कट वाला तो नहीं, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है शेड्यूल में, लेट नहीं है बोर्डिंग, हम लोग स्टार्ट हो गई है मोहम्मद हो रहा है। तो अभी यहाँ पे आज वेदर बहुत मस्त है, मतलब बहुत डिफरेंट है, तो आप लोग को आज नहीं दिखाता। तो ये पूरा जो है ना यहाँ पे मैंने सोचा था कि ये के लिए ज़्यादा लेट होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, टाइम है हम लोग फ्लाइट यहाँ पे। तो ये सामने है, आज वो इधर पूरा क्लाउडी है, आज थोड़ा मतलब सर्दी सर्दी लग रहा है, ठंड भी लग रहा है, क्योंकि आज वो इधर ऐसा है। तो मैं अभी जा रहा हूँ बोर्डिंग करके आ गया अभी, सामने देख रहा ये हम लोग का फ्लाइट है, बोर्डिंग में लाइन में लगे हैं, पूरा लाइन में सारे लगे हुए हैं, तो हम लोग भी यहाँ, तो आस पास 1 घंटा यहाँ से लग रहा है, हम लोग 1 घंटा 15 मिनट पहुँच फिर नीचे उतर के, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और एक्चुअली प्लानिंग कुछ ऐसा नहीं था, कि काम है, मैं आपको पहले बता सकता, क्योंकि मेरा बहुत काम है यहाँ, तो इसलिए काम खत्म होने के बाद मैं आपका क्या कर रहा हूँ क्या प्लानिंग है मैं बताऊँगा, तो फिर ख़त्म हो जाए एक बार। एक्चुअली बहुत दिन पहले, अब बहुत दिन हो गया, 2 साल हो गया अभी घूमने भी कहीं नहीं गया हूँ, तो अभी ये मौका मिला है तो
काम ख़त्म करके पूरा घूमूंगा। वो घूमने के बाद यदि टाइम मिलेगा तो घूमूंगा, तो टाइम नहीं मिला तो नहीं हो पाएगा। तो अभी मेरे साथ ये जर्नी एंजॉय कीजिए, मैं आपको सारे दिखाता जाऊँगा। तो फिर चलते हैं, फिर आपसे वहाँ पर पहुँच के बात करता हूँ आपसे। In flight mode once the portable electronic device's sign is turned off. As we prepare to take off, please ensure that your hand baggage is stored in the overhead bins or under the seat in front of you. Your seat belt is fastened, tray table is stowed, seat back is upright, and the window shades are open. Unauthorized usage or removal of any safety equipment and tampering with exits is not permitted, as it will affect the safety of the aircraft.
अभी हम लोग 20,000 फुट के ऊपर में उड़ रहे हैं, तो एक्चुअली ये एक्चुअली बिस्तरा मेरा फर्स्ट फ्लाइट है। मैं पहले बहुत बार गया हूँ तो इंडिगो में और एयर इंडिया में, लेकिन बिस्तरा फर्स्ट में। उसके बाद अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छा है, और वो जो सीट वगैरह थोड़ा सा पुराना हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो भी उनका स्टाफ है बहुत फ्रेंडली है, क्वालिटी भी है, सारी चीज़ का ध्यान रखते हैं। ज़्यादातर कोविड की वजह से जो भी है रेस्ट्रिक्शन है उसके बारे में थोड़ा बहुत वो बता दें, तो सारे सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मौसम भी बहुत बढ़िया है, पहले वो क्लाउडी था, अभी यहाँ पे जब हम लोग कुछ दूर आ गए हैं तो क्लाउडी नहीं है, बेस्ट है। चलो फिर आगे का जर्नी एंजॉय करते हैं। लॉन्च का टाइम शुरू हो गया, अभी वो लॉन्च दिए हैं, पता नहीं एक पूरा 2-3 होटल मिला रिसेस होगा सर, सामने दिखा रहा हूँ। और कुछ बिलियन जैसा है, पता नहीं एज बिलियन टाइप का है, ये सब सब्जीज तरफ है, ये टर्मिनल 3 है, वो टर्मिनल 1 है, उस तरफ है। यहाँ पे ज़्यादातर जो
प्राइवेट वगैरह ना, प्राइवेट जेट वगैरह ना, वहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में आपको दिखा लेता, बाद में दिखाऊंगा, थोड़ा आगे जाना दे। हम इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पहुंच गए। टेंपरेचर अभी यहाँ पे 28 तक है। इसी टर्मिनल की प्रस्थान करेगी। बाहर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। अब आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि क्रू द्वारा दी गई अगली सूचना तक अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहें। ऊपर बने सामान कक्ष सावधानी से खोलें। सभी यात्री जो विस्तारा की अन्य उड़ानों से आगे सफर कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वह हमारी ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करें। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रही। विस्तारा और इस विमान के क्रू की ओर से हमारे साथ यात्रा करने के लिए सभी का धन्यवाद। किसी भी प्रकार के फीडबैक के लिए हमारी वेबसाइट airvistara.com पर हमसे संपर्क करें। एयर सेवा मोबाइल ऐप से या एयर सेवा के वेबसाइट द्वारा आप अपने सुझाव मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भी दे सकते हैं। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिल्ली। वी हैव लैंडेड एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। For those connecting to another Vistara flight or to an international flight on any airline, this is a departure terminal. Temperature outside is 27 degrees Celsius. You may now use your mobile phones. We request you to please remain seated until further advised by the cabin crew. To take care when opening the overhead bins, as I took feedback directly to the Ministry of Civil Aviation through the Air Seva mobile app for Android or iOS or through the Air Seva website. Thank you. तो बाहर देखते हैं, टेम्परेचर थोड़ा लो है, हम लोग बाहर जाके फिर आपसे मैं दिखाता हूँ, दिल्ली का एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ सर थोड़ा बहुत। तो पूरा मैंने आज का जो वीडियो में ना पूरा जो जर्नी है मेरा और भुवनेश्वर से दिल्ली तक का जर्नी पूरा दिखा चुका हूँ। बाद में जो भी रहेगा ना थोड़ा बहुत पूरा जर्नी जो है हवाई यात्रा है ना वो पूरा कम्प्लीट दिखा दिया हूँ। आप लोगों को पसंद आएगा तो जो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच कि पूरा मेरे साथ में भी आप लोगों ने वर्चुअल जर्नी किया। तो पूरा हम लोग मैं बाहर आ गया हूँ,